इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ CTRM पर क्वेश्चन करेंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ CTRM का मतलब क्या है? कंबाइंड रोटेशन मोशन होगा। और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग यहाँ पे फोर्स भी लगाएंगे और यहाँ पे रोटेशन मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एक्स सच दैट द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग। रोल्स विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब है? रोलिंग विदाउट प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या? कि ये जिस जमीन से टच है, जिस ग्राउंड से ये टच है, उस पर ये प्योर रोलिंग करने का मतलब इसका जो पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों आपस में क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है। तो रेस्ट पोजीशन पर होता है। जब भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन आए, उसमें कोई फोर्स लग रहा है, तो ये चार फॉर्मूला का आपको यूज करना है। ये चार फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो चार फॉर्मूला क्या क्या है? फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। टॉर्क सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, और एक्सलेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो प्योर रोलिंग में ये सारा कंडीशन होता है, इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है एफ फोर्स सेंटर से कितने डिस्टेंस पर लगा है, ऊपर नीचे क्या? रोल्स विदाउट स्लिपिंग। क्या ये इसमें फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए? मतलब ये रोल्स करेगा, रोल करेगा, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन करेगा। अब यहाँ पर बोल दिया है विदाउट फ्रिक्शन लगाने निकालने, तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पर कोई आर्बिट्री डिस्टेंस एक्स मान लेंगे जिस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे होगा, तो फिर ये रोटेट ही नहीं करेगा, जस्ट इसके ऊपर ही होना होगा। क्योंकि आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर ये नीचे होगा तो ये इस तरह में रोटेट, तो ये ऊपर ही होगा, क्योंकि इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन में। नीचे फोर्स लगाएंगे तो ये तो आगे की ओर घूमने लगा, तो यहाँ पे जब हम रोटेट करें तो कुछ टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर लगेगा, तब ना ये रोटेशन इधर होगा, और जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। इसी कारण फोर्स एक्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही होगा, और ये यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला क्या था? फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है टोटल इस पर, मास इंटू एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास का ए मान लिया है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएंगे ही नहीं। और यहाँ पे फ्रिक्शन लग भी रहा होगा तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में दोनों इधर उधर से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला क्या है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। टॉर्क क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स, और आई सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। और ये वाला फॉर्मूला लगाना ही है, क्योंकि इसमें प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इसमें ए इज इक्वल टू अल्फा होता है। इस दोनों के हेल्प से अल्फा का वैल्यू ए बाई आर पुट यहाँ कर देंगे, तो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये आएगा आपका। इससे आप यहाँ से बता सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ बाई एम। अब यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ बाई एम, तो एम एम कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, यहाँ से एक्स का वैल्यू आर बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब आर बाई टू डिस्टेंस पर ये ऊपर रखेंगे फोर्स को, तो ये प्योर रोलिंग करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।